यूनिवर्सिटी एग्जाम 2022 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहेंगे। परीक्षा तिथि जारी हो चुका है, कहाँ की अपडेट है, कब से एग्जाम है, क्या परीक्षा पैटर्न है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नया इन्फो पर। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, हर यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको लगातार मिल रहा है, आगे भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं नया इन्फो के, तो जुड़ जाएं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर हम आपको टाइम टेबल वगैरह शेयर करेंगे, जिससे कि आप सबसे पहले उसको प्राप्त कर पाएंगे। और प्राइवेट चैनल है तो सिर्फ आप लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में से ही जुड़ें। और इसके अलावा इस वीडियो को देखें, साथियों को शेयर करें, अपनी तैयारी उस लेवल से करें और एग्ज़ाम अच्छे से दें, अच्छे नंबर्स प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विश्वविद्यालय में अब की परंपरागत विषयों की परीक्षा में सवालों का विस्तृत उत्तर देना होगा। यहाँ पर कुछ का एमसीक्यू होगा, कुछ का विस्तृत होगा। सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, जो परंपरागत विषय होंगे वो आपका विस्तृत उत्तरी होगा, और यानी निबंध की शैली पर जो लिखा जाता है उस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय, और 3 घंटे का समय आपको प्रदान किया जाएगा। और 2021 में अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं OMR आधारित कराई गई थी, अब निबंध के तरीके से आपको उत्तर देना होगा। वहीं अनिवार्य विषय की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस बार भी OMR आधारित परीक्षा देनी होगी। तो जो आप देख सकते हैं अनिवार्य विषय से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको OMR के तरीके से पढ़ाई एग्ज़ाम देना होगा। और ये जो अपडेट है आपका UPRTOU का है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं मुक्त विश्वविद्यालय, उसका ये लेटेस्ट अपडेट है। और देख सकते हैं कि 17 दिसंबर 2021 की परीक्षाएं 15 मार्च से प्रस्तावित हैं, परीक्षाएँ 25 अप्रैल को समाप्त होंगी और पूरी परीक्षाएँ 30 दिन में संचालित की जाएंगी। प्रदेश में लगभग 130 परीक्षा केंद्रों पर 60,000 शिक्षार्थी परीक्षा देंगे। जेलबंदी परीक्षार्थी प्रदेश की विभिन्न जेलों में बनाए जा रहे परीक्षा केंद्रों में ही परीक्षा देंगे। और समय जो होगा आपका 15 मार्च से 23 मार्च, यहाँ पर देख सकते हैं, इन छात्रों का होगा। और 3 पालियों में होगा, 7 बजे से 10 बजे तक, 11 बजे से 2 बजे तक और 3 बजे से सायं 6 बजे तक। और तृतीय पाली में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि कार्यक्रमों की परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जो एग्ज़ाम होगा आपका इस बार, देख सकते हैं कि दोनों पे लिया जाएगा, OMR पर भी और इसके अलावा आपका लिखित भी होने वाला। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो के साथ।